Good morning students, I am Mayank Tiwari. Welcome to this test series. 1 to 10 numbering कर लीजिए, उसके बाद अपने correct responses देखिए. Question number 1, which of the following is mutant variety of mango? ठीक है, आपको बताना है इसमें से mango की mutant variety कौन सी है. ये question student बहुत important है, 2019 BHU entrance exam में पूछा गया है. Option A, Malgova. Option B, Madhulika. Option C, Chausa. Option D, Rosica. स्टूडेंट, मैंगो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, हर बार ही आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. कुछ वैरायटीज के मैंने नाम लिखे थे. सबसे पहले मलगोवा. मलगोवा इज द मदर ऑफ ऑल कलर्ड वैरायटी ऑफ मैंगो, ये आप ध्यान रख लेना. मलगोवा को मदर ऑफ ऑल कलर्ड वैरायटी ऑफ मैंगो कहते हैं. दूसरा ऑप्शन दिया था मैंने मधुलिका. इज द मोस्ट प्रिकॉशियस कल्टीवार ऑफ मैंगो, प्रिकॉशियस मतलब अर्ली. ठीक है, तो मधुलिका भी ध्यान रखना. और जो रोजिका है वो इसका सही आंसर था. इट इज द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो. और एक ऑप्शन मैंने दिया था चौसा. चौसा इज द स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, ये आप ध्यान रख लेना. और एक डेटा और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट की, 39% ऑफ द वर्ल्ड मैंगो आर प्रोड्यूस इन इंडिया ओनली. मतलब वर्ल्ड का 39% मैंगो प्रोडक्शन अकेला इंडिया में होता है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मैंगो की वेनेजुला में होती है, ये आप ध्यान रख लेना. अभी अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रोटोगाइनी इज फाउंड इन. ठीक है, आपको बताना है कि कौन से फ्रूट क्रॉप में प्रोटोगाइनी होती है. ऑप्शन ए वॉलनट, ऑप्शन बी चेस्टनट, ऑप्शन सी पीकन नट, ऑप्शन डी बनाना. स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बीएचयू में बहुत पूछे जाते हैं. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और क्योंकि जो आप पढ़ते हो अरुण कातियान और नीमराज सुंडा, उससे थोड़ा सा बाहर भी आपको पढ़ना पड़ता है. ये ध्यान रखना कि प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी जो है ये दोनों डाइकोगैमी के टाइप है. प्रोटेंड्री मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मेच्योर हो जाएंगे, और प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मेच्योर हो जाएंगे. ठीक है, अभी देखो प्रोटेंड्री में कौन कौन से फ्रूट हैं. कोकोनट है, सपोटा है, वॉलनट है, और एनोना म्यूरिकेटा. ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटोगाइनी बनाना में है, जो इसका राइट आंसर है वो बनाना है. बनाना में है, फिग में है, पोमग्रेनेट में है, प्लम में है, अनोना एक्सेप्ट अनोना म्यूरिकेटा, क्योंकि अनोना म्यूरिकेटा में प्रोटेंड्री है. स्टूडेंट ये एटलीस्ट ये सब तो एग्जाम्पल ध्यान रख लेना आप, बाकी अगर ना भी याद करो कुछ बेसिक एग्जाम्पल जैसे कोकोनट और वॉलनट ध्यान रख लेना, और बनाना पोमग्रेनेट प्लम ये तो इजी है आप याद कर लोगे. उसके बाद पिस्टेशियो नट और पीकन नट में हेट्रो डाइकोगैमी होती है. एवोकाडो में पीडीएसडी होता है. चेस्टनट्स में ड्यूडिडोगैमी होती है, और हेट्रोस्टाइली आपको पता होगा जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, दो टाइप की होती है, पिन टाइप और थ्रम टाइप. पिन टाइप की सपोटा लीची पोमग्रेनेट में होती है, और थ्रम टाइप की आलमंड और करम्बोला और लीची में होती है. इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. अरे हाँ स्टूडेंट, ये ध्यान रख लेना कि करम्बोला को स्टार फ्रूट भी बोलते हैं. ठीक है, एवर हुआ करम्बोला इसका नाम होता है. तो देखिए इसमें कुछ बेसिक फ्रूट जो आप याद रख पाओ वो याद रख लेना, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में ध्यान रख लेना कि हेट्रोमॉर्फिक में कोई भी फ्रूट क्रॉप नहीं आता. होमोमॉर्फिक जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो मैंगो आंवला और कोको में होती है, और गैमेटोफिटिक वाली बेर लुकाट पाइनएप्पल एप्पल पियर एप्रिकॉट आलमंड चेरी. तो जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लगे वो देख लेना, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस में ही हो, आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का. बीएचयू का एग्जाम मे बी जून में होगा, तो तब तक अगर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे, रोज इन टेबल्स को देखोगे तो काफी कुछ याद हो जाएगा, वरना लास्ट में फिर बहुत प्रेशर पड़ता है. अभी स्टूडेंट एक वर्ड आया था ऑप्शन में पीडीएसडी, जो मैं आपको दिखा रहा था कि एवोकाडो और चेस्टनट में पीडीएसडी होता है. पीडीएसडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रोटोगाइनस डायगोनली सिंक्रोनस डाइकोगैमी. तो पीडीएसडी का मतलब ये होता है. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीफेगस पेस्ट. ठीक है, आपको इसमें से पॉलीफेगस पेस्ट पहचानना है कि कौन सा है. ऑप्शन ए एमेस्टा मूरी, ऑप्शन बी होलोट्रिका कॉन्सिंग्विना, ऑप्शन सी स्किस्टोसेरा ग्रेगेरिया, ऑप्शन डी ओडोंडोटर्मस ऑब्सेसस, ऑप्शन ई एबीसी, ऑप्शन एफ ऑल. तो इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करना तो बहुत आसान है अगर आपको वीट का पेस्ट पता है. तो ये ओडोंडोटर्मस ऑब्सेसस ये वीट का पेस्ट है, ये वीट टर्माइट है. ठीक है, ये तो पॉलीफेगस नहीं होता. तो इसका आंसर हो जाएगा ई एबीसी. अभी इन पेस्ट के बारे में जिनके मैंने जूलॉजिकल नेम आपको दिए हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. देखिए सबसे पहले जो एमेस्टा मूरी है ये रेड हेयरी कैटरपिलर है. दूसरा मैंने आपको दिया था होलोट्रिका कॉन्सिंग्विना, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसकी फैमिली भी ध्यान होनी चाहिए. मेलेनथोनिडी फैमिली का होता है, कोलोप्टेरा में आता है, पॉलीफेगस पेस्ट है. सारी खरीफ जितनी ऑयल सीड क्रॉप होती हैं ग्राउंडनट बाजरा ज्वार कोकोनट शुगर केन इन सब में आपको देखने को मिलेगा. इसमें डैमेज जो होता है वो ग्रब करता है, ये आप ध्यान रख लेना. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है स्टूडेंट की इसको नेशनल पेस्ट का दर्जा भी मिला हुआ है. ठीक है, उसके बाद लोकस्ट मैंने आपको ये ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन लोकस्ट वाले भी बनाया था. पटंगा सेकंड ये बॉम्बे लोकस्ट होता है,
उसके बाद माइग्रेटरी लोकस्ट आपका लोकस्टा माइग्रेटरिया होता है, उसके बाद ये है आपका स्किस्टोसेरा ग्रिगेरिया, इसको इंटरनेशनल पेस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रख लेना, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल लोकस्ट होता है, इंटरनेशनल पेस्ट ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जाता है, और नेशनल पेस्ट आपका वाइट ग्रब है, ठीक है, होलोट्रिका कॉन्सिग्विना। स्टूडेंट एटलीस्ट राइस और वीट के इंपॉर्टेंट पेस्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे वीट में आर्मी वॉर्म है, माइथिमा सेपरेटा, नॉक्टेरी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा में आता है, उसके बाद गुजिया वीविल वीट का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये गुजिया वीविल ध्यान रखना है स्टूडेंट, टैनीमेकस इंडिकस, कई बार ऐसे आता है कि गुजिया वीविल इज द पेस्ट ऑफ, तो ये वीट का पेस्ट है। उसके बाद वीट में टर्माइट जो मैंने आपको ऑप्शन में दिया था, ओडोनोटर्मस ऑब्सेसस, टर्मिडिटी फैमिली है, आइसोप्टेरा, इनको व्हाइट आंट भी बोलते हैं। उसके बाद वीट एफिड मैक्रोसिफम मिसकैंथी, ठीक है, माइथिमा सेपराटा और माइक्रोसिफम मिसकैंथी में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप ये ध्यान रख लेना कि माइक्रोसिफम मिसकैंथी जो है ये वीट एफिड है, और जो माइथिमा सेपराटा है वो आर्मी वॉर्म है, ठीक है, और एक वीट माइट है पेट्रोबिया लैटेंस, ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स स्टार्च, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इवन क्लास 12th का स्टूडेंट भी इसको बता सकता है। ऑप्शन ए एलिलियोप्लास्ट, ऑप्शन बी एलिरोप्लास्ट, ऑप्शन सी अमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है ये स्टार्च स्टोर करता है, अब इतना आपको पता होगा कि ये सारे प्लास्टिड है, हर एक प्लास्टिड का अलग अलग फंक्शन होता है, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो सबके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज, इसमें तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक अमाइलोप्लास्ट होता है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, जो कि इस ऑप्शन का सही आंसर था, फिर एक ऑप्शन दिया था एलिलियोप्लास्ट, एलिलियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, फिर एक है एलिरियोप्लास्ट, एलिरियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, तो ये ध्यान रख लेना, और ये प्लास्टिड जो है ये शिम्पर ने डिस्कवर किया था। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 80% ऑफ टोटल आरएनए इज, ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्लास 12th में जेनेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आता होगा। ऑप्शन ए एमआरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी जीआरएनए। आपको बताना है कि 80% टोटल आरएनए कौन सा होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए 5-10% होता है टोटल आरएनए का, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए या फिर इसको एसआरएनए भी बोलते हैं, सोल्युबल आरएनए 10-15% होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, क्लोवर लीफ मॉडल इसका होता है जो कि हॉले ने दिया था। उसके बाद आरआरएनए है, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और 80% ऑफ टोटल आरएनए इज आरआरएनए, और आरआरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए होता है, ये आप ध्यान रख लेना। और जो आपका एमआरएनए और टीआरएनए होता है डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है, तो आप ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ये 4th और 5th तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है। ऑप्शन ए साइकोसील, ऑप्शन बी फॉस्फोन, ऑप्शन सी AMO16-18, ऑप्शन डी मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट इसे सही कर लेंगे। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर और एक होता है ग्रोथ रिटार्डेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये टेबल है, एक बार इसे देख लो आप। ग्रोथ इनहिबिटर आर सच केमिकल विच इनहिबिट और रिटार्ड फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस इन प्लांट, मतलब फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस को मेनली इफेक्ट करता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ रिटार्डेंट आपका सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो इससे प्लांट की हाइट रेगुलेट होती है और प्लांट जो होता है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर मालफॉर्मेशन करता है लीफ और स्टेम का, ग्रोथ रिटार्डेंट कोई मालफॉर्मेशन नहीं करता। ग्रोथ इनहिबिटर कंप्लीटली सप्रेस कर देता है प्लांट ग्रोथ को, ये कंप्लीटली सप्रेस नहीं करता ग्रोथ रिटार्डेंट। येलोइंग और एब्सेशन लीफ का दिखाई देगा ग्रोथ इनहिबिटर में, और आपका इसमें अगर ग्रोथ रिटार्डेंट आप अप्लाई कर रहे हो तो ग्रीन कलर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, मतलब और ज्यादा ग्रीन दिखेगा आपको। उसके बाद इट इफेक्ट विगर एंड रेट ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, ग्रोथ इनहिबिटर विगर और रेट ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा क्योंकि ये कंप्लीटली सप्रेस कर देता है प्लांट ग्रोथ को, ग्रोथ रिटार्डेंट का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर के एग्जांपल जो मैंने आपसे पूछा था मैलिक हाइड्राजाइड और एबीए एब्सेसिक एसिड आपका ग्रोथ इनहिबिटर है, और ग्रोथ रिटार्डेंट में आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, साइकोसील, ट्रिपल सी, क्लोरमकॉट, ये सब एक ही का नाम है, फॉस्फोन डी, AMO16-18, ये सारे ग्रोथ रिटार्डेंट है। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर ये ध्यान रखना है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी जिबलिक भी हो सकता है, एंटी ऑक्सिन भी हो सकता है, एंटी जर्मिनेशन भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं वो सिर्फ एंटी जिबलिन होते हैं, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिचमन लैंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू, अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो आपको पता होगा ये, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, क्लास 11th में जब आप प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिचमन लैंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू।
ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एबीए, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर से क्वेश्चन। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। रिचमंड लैंग इफेक्ट होता क्या है कि जो साइटोकाइनिन है ये एजिंग को डिले कर देता है। साइटोकाइनिन डिलेज सेनेसेंस, इट इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये आप ध्यान रखना। अभी एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि उनका क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। IR-8 वॉज डेवलप्ड बाय हेनरी बिचेल, ईस्ट एंड शल, डीएफ जोन्स या डॉक्टर शास्त्री। ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है, नॉन एग्रोनॉमी वाले भी इसको कर सकते हैं। तो IR-8 तो आपको पता ही होगा, हेनरी बिचेल ने डेवलप की थी। और परसों ही मैंने ये क्वेश्चन और पूछा था कि IR-8 किसका क्रॉस है, डीजुवुजन इंटू पेटा। पेटा जो है वो इंडोनेशिया से लाई थी। एक मैंने डॉक्टर शास्त्री दिया था ऑप्शन में, डॉक्टर शास्त्री ने जो जया वेराइटी है वो बनाई थी, टाइचुंग नेटिव 1 एंड टाइचुंग 141। तो इसको मिराकल राइस भी बोलते हैं जया को, जो डॉक्टर शास्त्री ने बनाया था, क्योंकि इसकी ईल्ड टाइचुंग नेटिव 1 और IR-8 दोनों से ज्यादा थी। फिर इसी में मैंने मेज भी इंक्लूड कर दिया था। मेज में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीडर हैं जैसे EM ईस्ट और GS शेल, इन्होंने हाइब्रिड मेज का कंसेप्ट दिया था सिंगल क्रॉस टेक्निक करके। उसके बाद एक ऑप्शन दिया था मैंने DF जोन्स, इन्होंने डबल क्रॉस टेक्निक दी है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेज में। तो आप ये ध्यान रख लेना, ऑल इंडिया मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो था ये AICRP ऑन मेज 1957 में शुरू हुआ था। एग्रोनॉमी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो मत याद रखना, वरना एग्रोनॉमी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेच्योरिटी ऑफ फाइबर इन कॉटन इज जस्ट बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन एग्रोनॉमी से है कि जो मेच्योरिटी होती है फाइबर की कॉटन में, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से जज करते हैं या कैसे जज करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोनेयर, ऑप्शन बी बॉल स्लैश शॉर्टर, ऑप्शन सी एडिलोमीटर, ऑप्शन डी नेपिनेस। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर जजिंग मेच्योरिटी ऑफ फाइबर इन कॉटन। स्टूडेंट एक ऑप्शन मैंने दिया था बॉल स्लैश शॉर्टर, जो बॉल स्लैश शॉर्टर होता है इससे स्टेपल लेंथ मेजर करते हैं। एक ऑप्शन मैंने दिया था माइक्रोनेयर, माइक्रोनेयर से फाइननेस मेजर करते हैं। अब आपसे पूछा था कि मेच्योरिटी किससे जज करते हैं, मेच्योरिटी आपकी एडिलोमीटर से जज करते हैं। और एक ऑप्शन दिया था मैंने नेपिनेस, कभी कभी फाइबर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती और नॉट्स जो होते हैं फाइबर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इस कंडीशन को नेपिनेस बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। स्टूडेंट कॉटन में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तिरक, जो कि बैड ओपनिंग ऑफ बॉल्स की वजह से होता है। अगर आप कॉटन को सलाइन सब सॉइल में ग्रो करोगे तो तिरक डिसीज हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है और टैनिन कंटेंट बढ़ जाता है फ्लावरिंग के टाइम पे। और ये प्रोफेसर दस्तून ने डिस्कवर की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन में H4 तो पता ही होना चाहिए, पहला कमर्शियल हाइब्रिड है कॉटन का, CT पटेल ने डिस्कवर किया था, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद फाइनली ये क्वेश्चन सॉइल साइंस से, स्टूडेंट फॉर लेटराइट सॉइल द वैल्यू ऑफ SI SiO2 रेशियो। अभी ये SI SiO2 रेशियो को ऐसा नहीं पढ़ते, इसको सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो, लेकिन इसको ऐसे भी लिखते हैं SI/SiO2, तो ये ध्यान रखना। लेटराइट सॉइल के लिए आपसे सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो पूछा है, ठीक है, ग्रेटर देन 2, लेस देन 16, लेस देन 2 या फिर मोर देन 40%, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि जो लेटराइट सॉइल होती है उसके लिए सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो लेस देन 2 होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर उसने कहा है सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो फॉर ट्रू लेटराइट तो उसके लिए 0 होता है, ध्यान रख लेना। अगर खाली लेटराइट सॉइल के लिए पूछेगा सिलिका सिस्के ऑक्साइड तो लेस देन 2 होगा, अगर ट्रू लेटराइट के लिए पूछेगा सिलिका सिस्के ऑक्साइड तो 0 होगा, ये आप ध्यान रख लेना। और लेटराइट सॉइल में कैओलिन क्ले मिनरल बहुत ज्यादा होता है। एक ऑप्शन था लेस देन 16, तो इसका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है लेटराइट सॉइल की वो लेस देन 16 होती है और बेस सैचुरेशन लेस देन 40 होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अभी एक सॉइल होती है लेटराइट, एक होती है लेटराइटिक। जो लेटराइट सॉइल होती है वो ऑक्सीजोल में आती है, जो लेटराइटिक सॉइल होती है उसको अल्टीसोल और एल्फीसोल ऑर्डर में डालते हैं। लेटराइट सॉइल में सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो लेस देन 2 होता है, लेकिन जो आपकी लेटराइटिक सॉइल होती है इसमें सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है। जो आपका लेटराइट सॉइल होती है उसमें कैओलिन क्ले मिनरल देखने को मिलेगा, लेकिन जो लेटराइटिक सॉइल होगी इसमें कैओलिनाइट तो होगा ही होगा, कैओलिन और कैओलिनाइट एक ही है, कंफ्यूज मत होना। उसमें कैओलिन के अलावा जिप्साइट भी होगा और इसका बेस सैचुरेशन 40% से ज्यादा होगा, जबकि लेटराइट सॉइल का लेस देन 40% होगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज अपने फेलो बैचमेट्स के साथ भी इसको शेयर करना। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है या फिर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो प्लीज आप मुझे बताना। थैंक यू।